सो गाइज हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे लिखा है वेलकम टू वेस्ट कमिंग। सेला पास का जो गेट है, गेट का इस तरफ। सो यहाँ पे एक बुद्धा जी की भी स्टेचू भी है। सो बुद्धा जी हेल्प अस, आते समय थोड़ा बहुत स्नो दिखा देना इधर, तब अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहाड़ों में पेड़ वगैरह नहीं है, टकला पा रहे हैं और हवा चलता रहता है बहुत, इसके चलते ठंड ज़्यादा है। और ये जो रोड है ये जा रहा है छबरीला, और इधर से रोड जा रहा है तवांग 76 किलोमीटर, और इधर से बोमडिला 103 किलोमीटर। अभी आगे आएगा जांग वाटरफॉल, जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल, ये सब आएगा। अगर आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा है, पहला वाला ब्लॉग, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है या नीचे लिंक में दे दूंगा पिछले ब्लॉग का, सब लोग ब्लॉग जरूर से देखिए। सो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे तवांग। और ये मेरा लेफ्ट साइड में है सेला लेक, पूरा मतलब आइस हो चुका है, फ्रीज हो चुका है, मतलब वो देखिए सेला लेक के ऊपर लोग मतलब वॉक कर रहे हैं, जा रहे उधर। यह है सेला लेक। सो यहाँ पे नहीं रुके क्योंकि आगे धूप है, धूप में जाके रुकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है मुझे, मुझे नहीं सबको लग रहा है, बहुत ही ज्यादा ठंड लग रहा है, बहुत ऊपर से नीचे तक आना पड़ेगा सेला लेक में जाने के लिए। सो बेगा मैं सेला लेक में जाके क्या करूँगा, कुछ फायदा नहीं है जाके। आप लोग जा सकते हो अगर आपको मन करता है तो, आप लोग जरूर से जाइए सेला लेक, आइस के ऊपर वॉक कीजिए, उस तरफ का ज़्यादा आइस हो गया, यहाँ पे भी पूरा आइस हो चुका, लेकिन ये शायद फट सकता है ऊपर जाने से, इसलिए शायद उधर ही लोग जा रहे हैं ऊपर, सब लोग नहीं जा रहे, जिसको थोड़ा हिम्मत है वो जा रहे हैं। सो अभी यहाँ पे रुकूंगा थोड़ा बहुत, क्योंकि धूप में रुकने से अच्छा होगा। थोड़ा ठंड से राहत मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे पूरा आइस हो चुका है, ब्लैक आइस हो चुका है, ये सब जम चुके हैं, थोड़ा देख के चलाना पड़ेगा। सो ये है सेला लेक, पूरा फ्रीज हो रखा है, पूरा आइस हो चुका है। गाइस क्या बोले, एक बार व्यू देखिए बस, और कुछ है बस व्यू, एंजॉय कीजिए। ये रहा बाइक, ये रहा स्नो, क्या लग रहा है भाई, अलग ही फीलिंग आ रहा है, मतलब लोग बाइक के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, वही मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसको बाइक पसंद आया। देखिए इस तरफ स्नो, गॉड हालत ख़राब हो जाता है। इस तरफ पहाड़ में एक भी स्नो नहीं है, और इधर देखो पूरा भरा हुआ है स्नो से पहाड़, और इधर का पहाड़ एक दाना भी नहीं है स्नो का, मतलब क्या बोले।
और इधर देखो, मतलब स्नो से भरा हुआ है पहाड़, इतना ज्यादा स्नो है। ये रहा हमारा तीन राइडर, हंटर और एवेंजर, और अभी हम लोग जा रहे हैं तवांग। देखिए कितना ज्यादा स्नो है। सो मेरा जो जूता है ना वो बहुत तकलीफ दे रहा है, सो कुछ जुगाड़ लगाते थोड़ा बहुत। ये है मेरे पास ब्लैक टिप, सो इससे अगर थोड़ा बहुत काम बन जाता है तो थोड़ा, इतना ज़्यादा ठंड है ना, हाथ भी काम नहीं कर रहा है साला। अबे यार निकल ठंड के मामले, ये भी मतलब पूरा टायर्ड हो चुका है। गाइस व्यू देखिए एक बार, सो यहाँ पे मैंने बाइक रोक लिया क्योंकि आगे रोड पे एक पत्थर गिरा, सो वो मैं साइड कर देता हूँ, नहीं तो बाई चांस किसी का गाड़ी भी आ सकता है ना, तो अगर पत्थर में टकराएगा तो इस ये जो पत्थर है ना इसमें लगेगा तो किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये ऊपर से गिरा है पत्थर, साइड कर देता हूँ भाई। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, गॉड, किसी की जान बच सकता है इस पत्थर के मदद से। ब्लॉग में रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड है। यहाँ पे थोड़ा धूप मिला है तो अच्छा लग रहा है, यहाँ पे रुक के। कोई बात नहीं, चलता है ये सब। सो मेरे बाइक का थोड़ा फ्लशर ऑन कर देता हूँ। हाँ ये फ्लशर ठीक रहेगा, चलो चलते हैं। और गोप्रो में भी चार्ज नहीं है, मेरा केबल लगा हुआ है इधर गोप्रो में। सो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। सो गोप्रो को अभी ऑफ कर देता हूँ। ओके ओ गाइस देखिए वाटरफॉल, और तवांग इधर से 63 किलोमीटर है। कोई बात नहीं पहुंच जाएंगे आराम से, अभी 2 बज रहे हैं, सो 4 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे तवांग, क्योंकि हम लोग बहुत जगह पे रुक रुक के जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा ही है कि जहाँ पे मर्जी वहीं पे रोक दिया, और मेरे शूज़ का तो आप लोगों को पता ही है क्या क्वालिटी है शूज़ का। मैंने 3-4 ही राइड किया, केदारनाथ गया, गुरुदुंगमा लेक गया, और एक बार तवांग आया था, और मंजिली वगैरह तो ये स्नो वगैरह कुछ भी नहीं है, और एक बार मैं सिक्किम किया था, 4 या 5 ही राइड किया होगा। ये शूज़ को मैंने क्या बोलूँ, मतलब ऐसे शूज़ ठीक है लेकिन सोल इतना एकदम घटिया क्वालिटी का है। 4000 रुपये का शूज़ है, मतलब ये मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था औरजू से, औरजू को भी बाय बाय, औरजू नहीं चाहिए, हम दूसरा ब्रांड का लेंगे। क्या बोले, क्या व्यू है गाइस, बहुत खूब। आप लोग अभी चेक करो ये क्या है, जयनाथ ब्रिज, ब्रिज के आगे वो क्या है, स्नो। तो अभी हम लोग, स्नो है दोनों तरफ, ज्यादा नहीं है थोड़ा बहुत है, लेकिन थोड़ा मजा आएगा स्नो के बीच में से जाने के लिए, और ज्यादा दूर तक नहीं है, थोड़ा सामने ही है, और आगे है जसवंत गढ़ वॉर मेमोरियल। स्नो मैंने अभी तक टच नहीं किया, अभी एक बार देखते हैं क्या है, पूरा जम चुका है शायद ये। हाँ देखिए पूरा जम गया, ये है फ्रेश स्नो। ये है फ्रेश थोड़ा बहुत,
और ये बहुत मोटा है दाना, मतलब ये छोटा वाला नहीं है, बहुत मोटा दाना है। थोड़ा स्नो खेलो। सो दोस्त लोग आगे जा चुका है, चलो आगे चलते हैं। ये रहा बाइक, क्या व्यू, मतलब क्या लग रहा है गाइस, चलो चलते हैं। ये है जसवंतगढ़ वार मेमोरियल, अंदर नहीं जाएंगे नहीं तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा। सो गाइस अभी हम लोग पहुँच गए, जांग होगा शायद ये जगह का नाम, और अभी हम लोग यहाँ पे खाना खाएंगे हिंदू रेस्टोरेंट एंड काम लॉज, और यहाँ पे हम लोगों का बाइक वगैरह रखा है इधर। One hour later. खाना कैसा था? ठीक ठीक ठाक, खाना ठीक ठाक था, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा है। भेज थाली मतलब 180 रुपये, हमारे इधर में तो 60 में मिल जाएगा, 60 और 100 में तो स्पेशल थाली मिल जाएगा, लेकिन फिर भी पहाड़ों में थोड़ा ज़्यादा हो गया, 150 होने से ठीक था। ओ गॉड, पानी बिल्कुल ब्लू है, ब्लू पानी एकदम एकदम ब्लू पानी है, इतना साफ पानी, क्या बोले, मतलब शायद बर्फ पिघल के आ रही है सब पानी। और यहाँ से तवांग रह गया 32 किलोमीटर, बुमला 64। एक एपिसोड बहुत जगह पे लिखा है। सो थोड़ा टाउन में जाएंगे, एक शूज लेना है और बुद्धा टेम्पल देखना है, और जाना है तवांग मोनेस्ट्री, तो ये तीन चीज़ें देखना है। ये है फॉग लाइट का पावर, और फॉग लाइट ऑफ करते हैं तो ये रहा। सो अभी जा रहे हैं मोनेस्ट्री, तवांग मोनेस्ट्री, एशिया का सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है, वहीं पे जा रहे हैं। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं तवांग मोनेस्ट्री, मेरे पीछे है, लेकिन अभी रात को इतना अच्छे से दिखाई नहीं देगा, सो दिन में होने से ज़्यादा अच्छे से दिखा देता, फिर भी आप लोग देखिए। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे बुद्ध स्टैचू देखने के लिए, जो तवांग का सबसे बड़ा बुद्ध स्टैचू है, वहीं पे जाएंगे वो देखने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा मार्केट जाएंगे, मार्केट करेंगे। ओके सो गाइस फाइनली आके पहुँच चुके हैं बुद्ध स्टैचू तवांग। लाइट ना है मैं सुना। यह है तवांग बुद्ध स्टैचू, यहाँ पे एक दो लाइट देने से कितना मज़ा आता, एक भी लाइट नहीं दिया ऊपर। बहुत सारे टूरिस्ट लोग रात को आने के लिए पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी लाइट नहीं है ना। आशा करता हूँ नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो बढ़िया से लाइट से सजे हुआ दिखेंगे, तो रात को क्या दिखाए, फिर भी ट्राई करता हूँ मोबाइल से, थोड़ा बहुत होते हैं तो आप लोगों को दिखाता हूँ। गाइस बारिश आ गया भाई तवांग में, दिसंबर के 24 तारीख में बारिश। भाई बारिश में भीग के आ चुके हैं, पूरा पानी पानी हो गया, पता नहीं था कि इतना मतलब बारिश मिलेगा हमको।
ये पानी का बोतल लेके आया बाहर से, 3 बोतल ₹50 और होटल में ₹25 लेता है एक। सो अभी होटल में चलते हैं और कुछ लाए, चिकन वगैरह लाए तो बनाएंगे आराम से। हम लोगों के पास गैस स्टोव है छोटा वाला, आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा। सो अभी होटल में चलते हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, उसके बाद बनाएंगे खाना वगैरह खाएंगे, आप लोगों को देखते रहेंगे। ओके, पूरा भीग चुका हूँ, ये सब सुखाना पड़ेगा आज हीटर से। चलो